हेलो ब्रियन, नमस्कार। मैं हूँ सराज। चले नए वीडियो के साथ आता है पुष्पक नगर, नई मुंबई के अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे पुष्पक नगर में इंक्वायरी कर रहे हैं प्रॉपर्टी रिगार्डिंग के लिए, तो उनके लिए एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है। बहुत आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, एंड फ्यूचर में आप रहने के लिए देख रहे तो उसके लिए एकदम बेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे पुष्पक नगर, नई मुंबई अपकमिंग अपोजिट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यहाँ पे। तो ये आपको पुष्पक नगर ऐसे जगह है जो आपको रिटर्न्स फ्यूचर में बहुत अच्छा देगा, प्रॉपर्टीज़ का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देगा यहाँ पे। इसके लिए मैं बार बार पुष्पक नगर का वीडियो बनाता रहता हूँ। हर एक वीडियोस में अलग अलग लोकेशन, अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग प्रोजेक्ट के बा शेयर करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्यों मैं यहाँ से थाना से यहाँ पे बार बार पुष्पक नगर रेगुलर आता हूँ, कंटिन्यू आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो बायर्स है, जो इन्वेस्टर है, जो पैसा कहीं भी प्रॉपर्टीज़ के लिए डालते हैं तो उसको अच्छा रिटर्न्स मिल सके, जो प्रॉपर्टीज़ के अच्छा रिटर्न्स मिल सके, फ्यूचर में आपका पैसा डबल हो सके प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ का आपका एप्रिसिएशन बढ़ते रहे यहाँ पे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा होते रहेगा, तो आपका प्रॉपर्टीज़ का भी एप्रिसिएशन होता रहेगा यहाँ पे। अभी क्या है कि आप लोग इंक्वायरी करते हैं, मुझे इंक्वायरी करते हैं, मुझे कॉल करते हैं और कमेंटमेंट कर देते हैं कि साइट विजिट के लिए आएंगे देखने के लिए। तो मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ कि अभी से कोई भी मुझे कॉल करता है, मतलब साइट विजिट के लिए या पुष्पक नगर की इंक्वायरी करते हैं, और आपने बोल भी दिया कि मैं नेक्स्ट वीक को आऊँगा, अगले मंथ आऊँगा, या फिर 2 दिन में आऊँगा, 3 दिन में आऊँगा साइट विजिट के लिए, आपका प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए, पुष्पक नगर देखने के लिए, तो मैं आपको कंटिन्यूस आपके साथ फॉलोअप में रहूँगा। क्यों कंटिन्यूस फॉलोअप में रहूँगा? क्योंकि आपको बेनिफिट मैं करके दूँगा वहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ जो चीज़ लेंगे आप, उसके लिए मैं आपके लिए बेनिफिट करके दूँगा। कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रहने के लिए देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी अच्छा चीज़ बताऊँगा और कम रेट में और कम प्राइसिंग में बिफोर सीसी रेरा में मिल जाएगा। और वो आपको जो जिसका सीसी रेरा आ गया उसमें भी मैं ट्राई करूँगा प्राइसिंग थोड़ा रेट निगोशिएट करने के लिए यहाँ पे। तो मैं अभी जो लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे साइट विजिट के लिए या प्रॉपर्टी रिगार्डिंग के लिए, तो मैं उनके पीछे लग जाऊँगा, मतलब आपके पीछे लग जाऊँगा जो मुझे कॉल करेंगे। जैसे मुझे कॉल किए कि प्रॉपर्टी रिगार्डिंग का है, आपने मुझे कमेंट कर दिया कि हम सैटरडे संडे आएंगे, तो हम मैं आपको सैटरडे संडे को ही कॉल करूँगा। आप बोलेंगे मैं नेक्स्ट मंथ में आऊँगा, फर्स्ट वीक को, ये डेट को आऊँगा, उसी दिन मैं आपको कॉल करूंगा। मैं बार बार आपके पीछे नहीं लगूंगा, बट आपने एक बार कॉल किया, मुझे कमिटमेंट कर दिया ना, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आपको मैं कंटिन्यूस कॉल करते रहूंगा। वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, मैं तब मैं आपको परेशान करूंगा। आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए आप इंटरेस्ट है, हाँ फ़ोन पे बोल दिया पोस्टपोन्ड हो गया है, या पैसे का इशू हो गया है, या कुछ भी इशू हो गया है, तो आप बता सकते हैं मुझे कि पोस्टपोन्ड हो गया है, पैसे का इशू है, पैसा अरेंज नहीं हो रहा है, लोन नहीं बैठ रहा है, ये सब चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है, फैमिली इशू है, ये सब चीज़ है, तो मैं दोबारा उस किसी को कॉल नहीं करता। बट जो लोग हैं ना, एक्चुअली बोलने के बाद, कमिटमेंट करने के बाद बोलते हैं कि हम साइट विजिट के लिए आएंगे, तो उसके बाद दोबारा कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं, साइट विजिट नहीं करते हैं, और जो साइट विजिट होके चले जाते हैं, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तो वो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रॉपर्टी देख के चले जा रहे, तो एक बार हम फ़ोन कर रहे हैं या मेरी टीम फ़ोन कर रही है, तो आप है ना वो कमिटमेंट बताइए कि हमें इंटरेस्ट है या नहीं है। सीधा बोल देंगे इंटरेस्ट नहीं है तो हम दोबारा कॉल नहीं करेंगे आपके, बट आपका और मेरा रिलेशन यूट्यूब पे रहेगा। बट है कि आप बोल देंगे इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं कॉल करेगा, या आप पोस्टपोन करते जा रहे हैं तो आप एक डेट बता दीजिए, एक दिन बता दीजिए, एक महीना बता दीजिए कि आप ये टाइम को मुझे हमें कॉल करिए, उसी टाइम हम बुकिंग के लिए आएंगे। बट विजिट करने के बाद है ना आपका फीडबैक मुझे चाहिए पुष्पक नगर के बारे में, तो वो फीडबैक आप मुझे दीजिए। मैं जब कॉल करूँगा आपको तो फ़ोन उठा के, या किधर बिजी है तो मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, उसी टाइम को मैं आपको कॉल करूँगा। जैसे आप फिरूंगा रात को 12 बजे भी बोलेंगे कॉल करने के लिए तो भी मैं कॉल करूँगा, रात को 11 बजे बोलेंगे तो भी कॉल करूँगा, 8 बजे के बाद बोलेंगे तो भी कॉल करूँगा, तो भी मैं कॉल करूँगा आपको। तो मैं उसी टाइम, उसी दिन, उसी डेट को मैं आपको कॉल करूँगा। थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन बहुत अच्छा बढ़ेगा पुष्पक नगर। फिलहाल तो अभी अंडर डेवलप है सब कुछ, सबको ऐसा लग रहा है सब चीज़ यहाँ पे, रेट कॉस्ट बढ़ रहा है यहाँ पे, तो प्राइसिंग रेट बढ़ते जा रहा है क्योंकि लैंड का भी कॉस्ट बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। ये बाजू वाला भी
लैंड प्लॉट जो है कोई भी डेवलपमेंट के लिए आता है, एक गुंटा आपको जा एक गुंटा मतलब 1000 स्क्वायर फीट का भी लेता है कोई भी प्लॉट इसमें, तो आपको 80 लैक्स से लेकर 90 लैक्स तक जा रहा है यहाँ पे, मतलब एक एग्जांपल में बता दिया है। तो डेवलपर को भी थोड़ा सा कॉस्टिंग पड़ जाता है और बायर को बाय करते वक्त थोड़ा सा प्राइसिंग रेट में कॉस्टिंग हो जाता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ज़रा ध्यान रखिए। ये वीडियो में आपको मैंने क्लियर बात बता दिया, और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, नमस्कार, टेक केयर, बाय।